खोत्तूर महालिंगेश्वर स्वामी की इस पुण्य भूमि में परशुराम जी इस पावन धरा पर आकर के आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पावन भूमि को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। भाइयों बहनों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से श्री हनुमान जी की इस पावन धरा कर्नाटक में आया हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का यह संबंध अत्यंत प्राचीन है, उतना ही प्राचीन है जितना मानव सभ्यता का इतिहास है। याद करिए, आज से हजारों वर्ष पहले प्रभु श्री राम को उनके वनवास कालखंड में सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिले थे तो वह बजरंगबली श्री हनुमान जी मिले थे, और उन्होंने अंतिम समय तक प्रभु श्री राम का सहयोग किया था। भाइयों बहनों, एक और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन धरा पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, और दूसरी ओर कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार ने श्री हनुमान जी की पावन जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यह आस्था का सम्मान है, लेकिन एक ओर जहां डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट आस्था का सम्मान कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आपकी इस आस्था का अपमान भी कर रही है। पहले कांग्रेस ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया, उसने कहा कि रथक है, वास्तविक नहीं है। एक कांग्रेस कहती थी, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसने इस प्रकार का एफिडेविट दाखिल किया था, और आज कर्नाटक में बजरंगबली की इस धरा पर कहती है कांग्रेस कि जब सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बोलती है कि पीएफआई को मुक्त करेंगे और बजरंग दल को बैन करेंगे। ये भारत के सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने वाले राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ करके राष्ट्रद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाने का कार्य कांग्रेस कर रही है, जिसे कोई भी भारत का राष्ट्रवादी नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज पुत्तौर की धरती पे आकर के मैं आपका आह्वान करूंगा, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हम लोगों ने एक नारा दिया था उस समय कि जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। आप भी मेरे साथ बोलेंगे जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। भाइयों बहनों, बजरंग दल एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, भारत माता के लिए समर्पित युवाओं का संगठन है, भारत की सनातन आस्था का सम्मान करने वाला संगठन है, और भारत के अंदर सामाजिक कार्यों में योगदान देने वाला संगठन है। एक और जब आज भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हो रहा है, एक और जब भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है, जब एक और भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, गांव के शासन की योजनाओं का लाभ
हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर महिला, हर युवा को प्राप्त हुआ है। सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ खड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा जी के मार्गदर्शन में श्री बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जमीनी धरातल पर उठा करके कर्नाटक को भारत के विकास के अभियान का हिस्सा बना रही है। तब कांग्रेस और जेडीएस बैरियर बन करके यहां के डेवलपमेंट को रोकना चाहती है। कर्नाटक वासियों को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए कि असेंबली का ये इलेक्शन कर्नाटक के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा होने के लिए कर्नाटक के अंदर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है और इसके लिए पुत्तूर से बीजेपी ने अभ्यर्थी के रूप में श्रीमती आशा थिमप्पा को अपना कैंडिडेट घोषित करके आपके रूप में करना है। भाइयों बहनों, श्रीमती आशा थिमप्पा बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता से आज असेंबली में आपके बीच में आई है। जब एक सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है तो कुछ कार्यकर्ता अपने ही परिवार से जुड़े हुए आज बहक करके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। हमें बहकावे में नहीं आना है, हमें किसी अन्य बहकावे में नहीं जाना है, उन्हें मनाने का प्रयास करना है और श्रीमती आशा थिमप्पा को पुत्तूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से